हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे और मस्त होंगे लाइफ में। तो सभी लोग अपनी रक्षाबंधन की तैयारियों में लगे होंगे, नई नई ड्रेस लाने में, शॉपिंग करने में, मौज मस्ती मजे, यही सारी चीज़ें त्यौहार के टाइम पर होती हैं। जब भी कोई फेस्टिवल पड़ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो त्यौहार आते हैं ये बहुत ज़्यादा रौनक वाले होते हैं। और कुल मिला के होली, दिवाली, रक्षाबंधन, करवा चौथ, ये सब त्यौहार जो होते हैं फेस्टिवल, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और एक हैप्पीनेस, एक खुशी लेकर आते हैं लोगों के चेहरे पर। तो गाइस, सभी लोग अपने त्यौहारों की तैयारियां कर रहे हैं, मार्केट भी काफ़ी अच्छा रौनक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा सब शॉपिंग कर भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और लोग काफ़ी खुश भी हैं कि रक्षाबंधन आई है, भाई बहन सब लोगों के लिए बहुत हैप्पीनेस का दिन है और ये त्यौहार सिर्फ भाई बहन के लिए ही होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा अच्छा त्यौहार होता है जो एक भाई बहन के बीच का होता है, और इसे मैं बहुत ज़्यादा दिल से मानती भी हूँ। वैसे तो भाई लोग ही बहन को गिफ्ट देते हैं और उनको मतलब सरप्राइज़ देते हैं, और वैसे मेरे भाई ने तो पहले ही पैसे भेज दिए थे मेरे लिए कि मैं अपने लिए शॉपिंग कर लूँ, बट मैं शॉपिंग नहीं कर सकती क्योंकि मैं जा नहीं सकती, तो मेरी शॉपिंग है ना मेरी दीदी करेगी, या फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ तब कर लूँगी, या फिर मैं कुछ मंगवा लूँगी दीदी से अपने लिए शॉपिंग करूँ, मतलब मार्केट से अपने लिए, मतलब कुछ अच्छा सा कुछ के। वैसे मैं सोच रही हूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊँगी तब मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैं अपनी चॉइस से अपनी मनपसंद चीज़ें लेके आऊँगी, और वैसे दीदी भी अगर ले आएंगी तो वो अपनी चॉइस से ले आएंगी जो भी उनको लाना होगा, बट मैंने अपने भाई के लिए शॉपिंग की है। वैसे तो भाई बहन के लिए शॉपिंग करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट, मतलब उनको सरप्राइज़ देते, अच्छा सा गिफ्ट लेके आते, बट मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगवा लिया है। ये सबके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि उसके लिए भी है, सभी के लिए है, क्योंकि मैंने अभी किसी को बताया नहीं है, घर में भी मम्मी को भी नहीं बताया है, और सिर्फ मुझे पता है और दीदी को पता है, बाकी किसी को भी सरप्राइज़ के बारे में नहीं पता है। तो मैं उसको रक्षाबंधन वाले दिन में उसे भी सरप्राइज़ करूँगी, वो मुझे तो करते ही करते हैं, फिर मैं भी उनको करूँगी। तो मैं उनके लिए बहुत अच्छी सी एक ड्रेस मंगवाई है मैंने, और मैं अभी शो नहीं करूँगी, उसको बताऊँगी नहीं, दिखाऊँगी भी नहीं, और क्योंकि अगर मैं बता दूँगी तो मम्मी भाई को बता देंगे, और जब भाई को पता चल जाएगी तो फिर मेरा वो सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने अभी इस चीज़ को ना क्लोज ही रखा है, इसको ओपन नहीं किया है। तो क्यों सिस्टर, आप लोगों ने अपने भाई के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लिया है बस, या ऐसे ही सिर्फ लोगे? है ना, लेने का है देने का नहीं। हाँ, भाई को भी उतना ही खुशियाँ दो जितनी भाई तुमको दे रहे हैं, ठीक है? अपने भाई के लिए भी कुछ अच्छी सी कोई बढ़िया सी चीज़ लेके आइए, उसको भी सरप्राइज़ दीजिए, एकदम उसके चेहरे पर जो खुशी होगी ना वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और बस उसके लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट हो, वो तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो लेके ही आएंगे। और हर भाई बहन के बीच में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े, मोबाइल फेंको, रिमोट फेंको, ये सारी जो हरकतें होती ना वो हमारे घर बहुत होती हैं, क्योंकि जिस समय टीवी चलती है उस समय बड़े झगड़े होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पता 3 झगड़े होते हैं, एक सीरियल, दूसरा न्यूज़, तीसरी मूवी। भाई को मूवी का शौक़ था, मुझे सीरियल का शौक़, और मेरी मम्मी को न्यूज़ का शौक़। अब टीवी तो एक ही है ना, अब एक टीवी में हम 3 लोग कैसे देख सकते हैं, आप ही बताइए, हम 3 लोग कैसे एक साथ देख सकते हैं? तो 3 टीवी हूँ, या फिर भाई सबकी इच्छाओं को थोड़ा सा तो दबा दबा के रखना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी इच्छाओं को मानना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो एक लोग बंद देख सकते ना। तो पहले हमारे घर ना बहुत मज़ा आता था, क्योंकि हम लोग भी छोटे छोटे थे, छोटे क्या थे मतलब 10th 12th में पढ़ते थे, तो हम लोग बहुत हरकतें करते थे, हम देखते थे सीरियल, भाई देखता था मूवी, और मम्मी और पापा देखते थे न्यूज, और पापा भी मतलब सीरियल देख लेते थे बट वो भी न्यूज के जा वो था, तो मम्मी गाती थी, मम्मी कहती थी न्यूज लगाओ भैया, हम कहते थे हम नहीं देंगे, अगर हम मूवी मतलब हम टीवी देख रहे हैं तो हम कहेंगे मम्मी हम नहीं देंगे, हमारा सीरियल चल रहा है। भाई के हाथ में रिमोट हुआ, मम्मी कहती है पापा आएंगे, बेटा न्यूज लगा देना ज़रा, न्यूज आ रही होगी बेटा लगाना ज़रा, तो भाई कहेगा पापा मूवी देख रहे बहुत अच्छी आ रही है, पापा कहेंगे जब देखो तब ये मूवी मूवी मूवी, चलो रखो ही सारे तमाशे, जब देखो तब मूवी 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 नहीं लगेगी, चलो लगाओ न्यूज। अब गुस्से में आएगा, बैट पे रिमोट ऐसे कटाक से फेंकेगा, और भैया मम्मी पापा कहते हैं अच्छा
ये फ्री का आता है, जब अपने पैसों से खरीदोगे तब पता चलेगा ये फ्री का आता है, ये तोड़ रहे हो। इतनी हंसी आती है, मैं फेंकू कि मम्मी कहे हाँ जब ससुराल जाएगी तब पता चलेगा, ऐसे फेंक के दिखाई हो चीज़, तब जब ऐसे चीज़ें फेंकोगी ना तब पता चलेगा। अब हम लोगों की ना बड़ी डांट पड़ती है बहुत ज़्यादा, और जब से हम लोग अपनी अपने बड़े हो गए हैं फिर बहुत हरकतें होती थी, बहुत रिमोट, कभी कभी तो हम भाई आपस में ही लड़ जाते थे, बहुत ज़्यादा लड़ जाते थे। वो भी चीज़ों को फेंक देते थे, मैं भी चीज़ों को फेंक, मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, वो भी बहुत जिद्दी है, उसको गुस्सा आएगा, वो लो तुम ही देख लो, मैं आऊँगी लो तुम ही देख लो, मैं नहीं देखना है, लो तुम ही देख लो बेटे, तुम्हारा दिल नहीं भरता कभी मूवी वूवी से, तुम्हारा मन नहीं भरता कभी सीरियल से, बस फेंका फाकी चालू, झगड़े चालू, मम्मी आएंगी फटाक से टीवी को बंद करती हैं, कहती हैं दोनों ने देख ली चलो रूम के बाहर। बहुत हरकतें आती हैं, बहुत हंसी आती है गाइस जब फैमिली में सारी चीज़ें होती ना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभिलाषा ब्लॉग के साथ में बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।